आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि आपके अध्यापक, आपके गुरु जो कई कई वर्षों में जिस विद्या को प्राप्त किया उस विद्या को आपको दे रहे और आपको उसका प्रमाण पत्र भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अपने संस्कारों, अपनी संस्कृति, अपने ऋषि परंपरा को आत्मसात करने पर आप मानव से महामानव बन जाएंगे, आप मनुष्य से देवता बन जाएंगे यदि इसको आत्मसात करेंगे। अगर हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज से उदाहरण लेते हैं, परम पूज्य स्वामी महाराज को सब जानते हैं, योग गुरु स्वामी सब परिचित है, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपरिचित हो। वो गुरुकुल में इस विद्या को प्राप्त किया, आयुर्वेद की प्राप्त किया विद्या को, योग की विद्या को प्राप्त किया। कोई सर्टिफिकेट है क्या, बोलिए ना, कोई सर्टिफिकेट है क्या? लेकिन उन्होंने जैसा पढ़ा उन्होंने वैसा जिया और आज पूरा देश और दुनिया उन पर रिसर्च कर रही है। एक गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज आज पूरे देश और दुनिया के लिए कौतूहल है, उन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। 500 से ज्यादा वैज्ञानिक पतंजलि अनुसंधान में जहां पर आयुर्वेद पर, योग पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च सदा होना चाहिए। हमारे ऋषियों ने जितना लिखा वो कम नहीं है, वो कम नहीं है, लेकिन ऋषियों ने कहा नेति नेति, अरे तुम इसमें शांत होकर बैठ नहीं जाना कि बस बहुत बहुत हो गया। नेति नेति, इस ज्ञान का कोई अंत नहीं है, तुम रिसर्च करते रहो, करते रहो, करते रहो और तुमको बहुत कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि यह प्रकृति इतना देती है कि इस पर आप जितना रिसर्च करोगे उतना कम है। ये हम सबको, क्योंकि हम सब आगे के भविष्य, राष्ट्र के भविष्य है, हम कुछ ऐसा करें, ऐसा हमारा वाणी व्यवहार हो, ऐसा हमारा व्यक्तित्व, ऐसा करैक्टर हो जो हमारे पूर्वज परंपरा को, हमारे माता पिता को, हमारे गुरु को गौरव दे सके। हमारा जीवन चलता फिरता उदाहरण बन सके। योग और आयुर्वेद को हम जीने का प्रयत्न करें और जिस दिन जीना शुरू कर देंगे उस दिन पूरी दुनिया इधर ही आएगी और वो समय आ रहा है। आज पूरे देश और दुनिया में आयुर्वेद का, ऋषि परंपरा का, योग का क्रेज बढ़ा है, विशेषकर कोरोना काल के बाद देश और दुनिया ने देखा कि यदि स्वस्थ रहना है तो कोई पैथी काम नहीं आएगी। केवल एक ही पैथी है जो हमारे घर की पैथी है, हमारी ऋषि पैथी है, जिसको हम जीवन में उतारते हैं उसी से हमारा तन मन और वतन स्वस्थ रह सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको जीना आरंभ कर दें, आपके वाणी व्यवहार में, आपके आचरण में उतरे हो, क्योंकि जब आप किसी की चिकित्सा करेंगे, आपके पास जब वो बैठेगा व्यक्ति, तो जो अच्छे चिकित्सक होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, उनका व्यवहार उस रोगी को इतना रिलैक्स कर देता है कि आधा रोग तो उसी समय समाप्त हो जाता है। मेरी बात से सहमत ही नहीं आप, सहमत है? ये भी एक पैथी ही है, टेलीपैथी बोल लो उसको, जो है और भी पैथी कह सकते हैं, स्पर्श चिकित्सा, बहुत सारी चिकित्सा वो, अरे तुमको, अरे तुमको तो कुछ नहीं है, अब इतना केवल बोल दिया डॉक्टर ने और उसका ये स्पर्श उसके लिए औषधि का काम करता है, लेकिन उसका भाव पवित्र होना चाहिए, उसकी जो तरंगे हैं, उसका जो आभा मंडल, उसका जो ओरा है, वो कब ठीक होगा? जब उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, उसका चाल चलन अच्छा होगा, उसका आहार विचार अच्छा होगा, जब वो वास्तव में योगी होगा, जब अपने ऋषि परंपरा को जीवन में उतारने वाला होता है, तो उस व्यक्ति के पास बैठने मात्र से प्रसन्नता होती है और व्यक्ति कुछ बहुत ही अच्छा फील करता है, पीसफुल माइंड उसका हो जाता है। नहीं तो कुछ तो बस जाते ही इतना डांटते हैं, फटकारते हैं, दोबारा रोगी के पास जाना नहीं चाहता है कि नहीं सर? तो ऐसा हमारा व्यवहार हो
जो वास्तव में योग को आयुर्वेद को अपनी ऋषि परंपरा को जीने वाला हो। और सबसे बड़ी बात मैंने कही है कि यह सच्चा इंसान बनाने का उपाय है। योग आप प्रतिदिन करें और योग करने वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी नौकरियों में जाता है, बड़े बड़े उसको जो वो चाहता है उसको मिलता है। आजकल जहां भी जाएंगे आपका पूरा वो बायोडाटा देखते हैं और उससे भी इंटरव्यू में आप योग करते हैं क्या, आपकी दिनचर्या क्या है। अगर 100 में से 2-4 लोगों ने कह दिया कि हम योग करते हैं, योग में जीवन जीते हैं, तो सबसे पहले उनका सिलेक्शन होता है। तो ठीक है, तो आप वहीं जाएंगे जहां पर आप बुलाया जाएगा। लेकिन ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि योग करने वाला व्यक्ति मेंटल एंड फिजिकल फिट होता है, और जो फिट है वो हर जगह हिट है, नहीं तो हर जगह अनफिट है, न घर में और न बाहर। वो अच्छे माता अच्छे पिता के रूप में, अच्छे भाई अच्छे बहन के रूप में, अच्छे पति अच्छी पत्नी के रूप में वो वास्तव में अपने आप को स्थापित कर पाता है। लेकिन जो ऐसा जीवन नहीं जिएगा वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता है, उसको रोग होंगे ही होंगे और ज्यादा नहीं कर सकते। तो मैं 2-3 आपको प्राणायाम बताऊंगा, उनको ही करेंगे तो उससे भी लाभ हो जाएगा। 2-3 प्राणायाम जो आपको हर प्रकार से व्यवस्थित रखेंगे। बिना श्वास के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है कि नहीं। विदेशों में कई बार भूकंप आए, बिल्डिंगें गिर गई और उसमें जब फिर चलता है राहत बचाव अभियान चलता है, 90 दिन तक लोग दबे पड़े थे बिना कुछ खाए भी 90 दिन तक, और वो जीते रहे, मरे नहीं। कुछ लोग, सबकी बात नहीं करता, 90 दिन तक, मैं कहना क्या चाहता हूं, 90 दिन तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, कुछ हो सकता है कुछ मर रहा हो लेकिन जिया। 500 दिनों का एक अपने जैन मुनि ने व्रत रखा और वो केवल पानी पीते थे और सूर्य के आतप में बैठते थे, वो भी 500 दिन तक किया उस कार्य को। पानी यदि ना दिया जाए, अगर साधारण अगर जीवन की बात करें तो 90 दिन तक लोगों ने अनशन भी किया है, और अगर पानी ना पिया जाए तो 2-4 दिन तो रह सकते हैं कि नहीं, अब बोलिए ना। 2-4 दिन पानी ना पिए तो चलेगा काम, नहीं चलेगा। कुछ लोगों को चल सकता है 1-2 दिन। हमारे सनातन परंपरा में जो है कुछ ऐसे व्रत होते हैं कि पूरा दिन मतलब 24 घंटा पानी नहीं देते, बिल्कुल ऐसे। तो पानी के बिना भी मतलब कुछ घंटे तो जी सकते हैं ना, और बिना ऑक्सीजन के बिना प्राणवायु के अगर 2 मिनट प्राणवायु रोक ली जाए तो क्या हम जिएंगे? पीछे अगर बिना श्वास के आपको बोला जाए 2 मिनट तक श्वास नहीं लेना तो आप रहेंगे कि बोलिए नहीं रहेंगे? और रहने के लिए क्या करना है? श्वास लेना, क्योंकि अवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपात्म ही विश्व भेषजो देवानाम दूत यसे प्राणस्य वशम इदम सर्वम। ये सारा संसार प्राणस्थितम वस्ते सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व स्त्री च प्रजां च विदेहिनति। ये प्राण, ये जो ऑक्सीजन है, इससे तीनों लोक रुके हुए हैं, तीनों लोकों का भरण पोषण हो रहा है। कोई जीव जंतु बिना प्राण के रहे नहीं सकता है, इसलिए ये प्राण विद्या बहुत महीनी है। और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध कुछ भी नहीं, सब श्वास ले रहे ना, और सबके अंदर क्या है, एक जैसा खून है ना, सब वही आहार ले रहे ना। ये ठीक है, अपनी व्यवस्था है, जन्म जहां जिसका हो गया उन परंपराओं को माने, लेकिन जो सच्चा ज्ञान है उसको जीने का प्रयत्न करें। इस प्राणायाम को स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 3 से 5 और 5 से 10 मिनट जरूर करना चाहिए। अब कम से कम 3 मिनट 5 मिनट जरूर करें,
पूर्ण स्वस्थ है, बीमारी को बढ़ा दे इसको, इससे दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, इससे मोटापा, इससे शुगर, इससे हाई बीपी, इससे लो बीपी, इससे हार्ट, इससे मेंटल जो समस्याएं है, स्ट्रेस, एंजाइटी और पता नहीं क्या क्या बीमारियां, क्रोध आना, गुस्सा आना, लोभ की प्रवृत्ति, ईर्ष्या की प्रवृत्ति, मन का अशांत होना, इतने और सैकड़ों रोग दूर हो जाते हैं केवल इतना अभ्यास करने से, और इसी को फास्ट गति से भी कर सकते हैं। यह अभ्यास जब हो जाए तो इसका अभ्यास आप करें। फिर दूसरा अभ्यास कपाल भाती। आपने बहुत माल दबाया होगा, खाए होंगे बहुत सारा, खाया कि नहीं, खा कर आए तो ज्यादा नहीं करें, लेकिन एक सेकंड में एक बार ऐसे। तो ये जो कपाल भाती है, पहले जो हमने प्राणायाम किया उसका क्या नाम था? भस्त्रिका। वो हमारे श्वसन तंत्र को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, शक्तिशाली बनाता है। कोरोना आया तो सबसे पहला अटैक कहां किया था? कोरोना आने सबसे पहले जो ब्रीदिंग ब्रीदिंग दोनों हो गई तो बिल्कुल ही जकड़ गया और हार्ट अटैक हो गया व्यक्ति, फिर अलग अलग प्रकार से उसका जीवन समाप्त हो गया। यदि श्वासों का नियमन करना है तो भस्त्रिका, श्वास प्रश्वास में पूरा संतुलन बना करके, और कपाल भाती प्राणायाम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसको बनाता है कपाल भाती, एक सेकेंड में एक स्ट्रॉक ऐसे, दो सेकेंड में दो बार, एक मिनट में 7.5 बार, 5 मिनट में 300 बार, 300 times। और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 1000 times कपाल भाती। कितना, कितने मिनट में हो जाएगा? 15 मिनट में। और एक तो मैंने एक सेकेंड में बताया ना, आप जब अभ्यास करें तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, तो आप 10 मिनट में भी 1000 बार कर सकते हैं। 1000 बार कपाल भाती रोज कोई करेगा तो उसकी ना किडनी खराब होगी, ना उसका लीवर खराब होगा, ना उसकी इंटेस्टाइन, उसकी आंतें खराब होगी, और ना उसको हार्ट अटैक होगा, ना उसको कभी कोई यौन रोग धातु रोग होंगे, प्रजनन तंत्र की रोग नहीं होगी, और उसको इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटी की प्राप्ति होगी जब रोज ड्यूटी करेगा, प्राणायाम करेगा। ठीक है ना, ये ब्यूटी फेरन लकड़ी लगाने से नहीं बढ़ती है, ब्यूटी बढ़ती है शुद्ध आहार से, शुद्ध विचार से, दिनचर्या से और प्राणायाम से। इससे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ठीक होंगे। कपाल भाती पहला, जो दूसरा प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले ये अंगूठे से नासिका को बंद करें ऐसे, और अंगुलियों से इधर बाईं ओर से पहले गहरा श्वास भरा, फिर बाईं ओर अंगुलियां लगा के दाईं ओर से इसको निकाल दीजिए, फिर दाएं से भरना पूरा भरा और फिर उसको बाएं से निकाल दिया, फिर बाएं से भरिए पूरा गहरा श्वास, फिर दाएं से निकाल दीजिए, फिर दाएं से भरिए और बाएं से निकाल दीजिए, गहरे गहरे श्वास भरना और छोड़ना, जहां से हमने भरना शुरू किया था उधर से ही छोड़ते हुए इसको समाप्त करेंगे। क्या नाम इसका? अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या नाम है? पहला भस्त्रिका, दूसरा कपाल भाती, तीसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। 72,72,10,201 नस नाड़ियां इस प्राणायाम को करने से परिशुद्ध हो जाती है, कानों से लेकर के आंखों से लेकर के मस्तिष्क से लेकर के मतलब नख से शिख तक हम पूरे रोगों को दूर कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हिप्नोटिक का काम करता है, विदाउट कोई साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है।
इसलिए आप बैठ करके कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। आप थक गए लेट करके कर सकते हैं, रिलैक्स होकर के कर सकते हैं, लेकिन ये आपके एक एक अंग को बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। एंटी एजिंग है ये, क्या ये? हाँ, ये इससे आयुष्य बढ़ता है, इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, इससे कान के पर्दे अच्छे रहेंगे, इससे हार्ट बड़ी समस्या है, हार्ट अटैक रोज हो रहे हैं। मैं डराने नहीं आया, बिल्कुल सही बात है। आप सुनते हैं, देखते डॉक्टर, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करता हूँ, रोज कोई ना कोई घटना सुनने को मिलती है कि 24 वर्ष का था, 30 वर्ष का था, 35 वर्ष का था, 40 वर्ष का था, और अचानक हार्ट अटैक हुआ और कोई अपील करने की जगह नहीं बचती। इतना भयंकर रोग चल रहा है, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, क्या करेंगे? अपने आहार पर नियंत्रण से प्राणायाम रोज करिए, आयुर्वेद का प्रयोग करिए, उपवास और उपासना करिए। उपवास और उपासना से हमारे जीवन में अत्यंत लाभ मिलता है। और जैसे मैंने निवेदन किया, फास्ट फूड, जंक फूड और जो अभक्ष पदार्थ है, मांस मदिरा, इनका सेवन ना करें, अवॉइड करें। ये कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शाकाहारी हैं, आप मांसाहारी हैं, आप सर्वाहारी, ठीक है, एज यू विश, एज यू लाइक, परंतु उससे हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक, हमारे जीवन का क्या संबंध है, हमारी विचारधारा क्या है, और उसका हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को ध्यान देकर के आप आहार लीजिए। अंतिम बात, मीठे का प्रयोग कम से कम करें। डायबिटीज में नंबर वन है गोवा, है ना, पता है आपको, सबको पता है ना, पूरे भारत में नंबर वन है। आप आयुर्वेद के पुरोधा हैं, आयुर्वेद क्या है, पायनियर्स कह दें, लीडर्स कह दें, ठीक है ना, नेता कह दें, ठीक है ना, नेतृत्व करने वाले। तो एक बात ध्यान रखिए, मीठे का प्रयोग कम से कम, और आप कहते हैं आयुर्वेद ग्रंथों में आरोग्यम कटु इत्तेषु, आरोग्यम कटु इत्तेषु, नीम पत्र 3 से 5 या 10 पत्र खुद खाइए, दूसरों को खिलाइए, या किलो का, किलो क्या बोलेंगे, गुड़वे है, गुड़ची, गुड़वे, अमृता, किलोए है, इसको जरूर खिलाइए। ये बहुत उत्तम औषधि है, ये हार्ट अटैक नहीं होगा, इससे हार्ट अटैक से बचेंगे। और जो नमक है उसका प्रयोग कम से कम करें, मैदे का प्रयोग कम से कम करें, तो जीवन और जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगी। मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है, समय अभी पूरा हो रहा है, आपका विभाव थोड़ा सा दूर हो रहा है, तो इसलिए आपने बड़े धैर्य से मुझको सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।